हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल कलर सैलून में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉन्डर और डेवलपर की मिक्सिंग रेशो। मिक्सिंग रेशो का ध्यान हम किस चीज़ को देखते हुए रखते हैं? मिक्सिंग रेशो हमारी डिपेंड करती है हेयर की लेंथ पे। हम हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग ही मिक्सिंग रेशो डिसाइड करेंगे। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मिक्सिंग रेशो हर वक्त सेम ही होती है, पर मिक्सिंग रेशो हर बार सेम नहीं होती। मिक्सिंग रेशो हम हमेशा बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस लेंथ पे कितनी हमने ब्लॉन्डर और डेवलपर की मिक्सिंग रेशो रखनी है। सबसे पहले, अगर आपके बाल लॉन्ग हैं, अगर क्लाइंट के बाल लॉन्ग हैं, लॉन्ग लेंथ पे हमारी एक भाग ब्लॉन्डर का लेंगे और दो भाग हम डेवलपर के लेंगे। जब हमारे क्लाइंट के हेयर लॉन्ग हैं तो हम एक भाग डेवलपर का, एक भाग ब्लॉन्डर का। जब हमारे क्लाइंट के बाल हेयर लॉन्ग हैं तो मिक्सिंग रेशो क्या होगी? ब्लॉन्डर एक भाग, डेवलपर दो भाग, ठीक है। अगर दूसरा आ जाता है मीडियम, अगर मेरे क्लाइंट के हेयर की लेंथ मीडियम है तो हमारी ब्लॉन्डर और डेवलपर की रेशो कितनी हो जाएगी? 1:1.5, मतलब कि ब्लॉन्डर से डेढ़ गुना। जब हमारे क्लाइंट के हेयर मीडियम लेंथ के होंगे। थर्ड, फॉर शॉर्ट लेंथ, जब हम शॉर्ट लेंथ पे वर्क करेंगे तो हमारी मिक्सिंग रेशो क्या होगी? जितना ब्लॉन्डर उतना डेवलपर, मतलब इक्वल पार्ट। जितना हम ब्लॉन्डर ले रहे हैं उतना ही हम डेवलपर लेंगे। मैं दोबारा से सारा रिपीट करता हूं। जब हमारे क्लाइंट के हेयर की लेंथ है लॉन्ग लेंथ पे हम वर्क कर रहे हैं, लेंथ लॉन्ग है, तो हमारे ब्लॉन्डर की और डेवलपर की रेशो कितनी होगी? 1:1:2, एक भाग ब्लॉन्डर का और दो भाग ब्लॉन्डर से दो गुना ज्यादा डेवलपर। दूसरा, जब हमारे क्लाइंट की हेयर की लेंथ मीडियम है तब हमारे ब्लॉन्डर और डेवलपर की मिक्सिंग रेशो क्या होगी? एक भाग ब्लॉन्डर और उसका डेढ़ गुना डेवलपर। तीसरा, जब हम शॉर्ट लेंथ पे काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? ब्लॉन्डर एक भाग, एक भाग डेवलपर, जितना ब्लॉन्डर उतना डेवलपर। इस चीज को आप लिख के रख सकते हो, इसको नोट कर लो ताकि आपको कभी भी आगे जाके इस चीज में डाउट ना हो। क्योंकि ब्लॉन्डर एक हार्श केमिकल है, अगर हम इसको ज्यादा या कम यूज कर लेते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमें ब्लॉन्डर और डेवलपर की रेशो का पता होना चाहिए, यह बहुत जरूरी चीज है। आज के ट्रेंड में क्या है, हाईलाइट्स चल रहे हैं, बालियाज चल रहे हैं, ठीक है जी, अलग अलग बेबी हाइलाइट्स चल रहे हैं, तो हम ब्लॉन्डर पे बहुत ज़्यादा वर्क करने लग गए हैं। तो इसीलिए हमें ब्लॉन्डर की और डेवलपर की मिक्सिंग रेशो के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये रेशो हम क्यों रखते हैं, क्यों हम लॉन्ग हेयर पे 1:2 रखते हैं रेशो, ब्लॉन्डर का जितना ब्लॉन्डर उससे दो गुना डेवलपर, क्यों हम मीडियम हेयर पे एक भाग ब्लॉन्डर और उससे डेढ़ गुना डेवलपर, अगर हेयर शॉर्ट हैं तो क्यों हम उस पर एक भाग ब्लॉन्डर और उतना ही हम डेवलपर क्यों लेते हैं। इस चीज को मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल टेक्निकल नॉलेज के साथ सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेयर रिलेटेड जितनी भी क्वारीज हैं आपकी, सारी क्वारीज को, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।